So I'm meeting Jalaluddin today. Past few years have been difficult for him and his family because in 2017, his 16-year-old son Junaid was stabbed to death by a group of people. Junaid was killed while traveling on a Delhi-Mathura train with his brothers. The attackers called his brothers and Junaid beef eaters, anti-national, and also threw away their skull caps. The argument which started over a seat turned into a violent attack which took Junaid's life. Today we are meeting his family and let's have a closer look into their lives. जैसे बिरयानी बनाई जाए हम लोगों से जो भी मदद है बता दीजिए। रोज बनवाते हैं आपके साथ खाना? हाँ, ये क्योंकि मेरी अब कमजोरी ज़्यादा है। अच्छा, रोज़ आप दोनों साथ में खाना बनाते हैं या कौन बनाता है? आप रहते हैं इसी वक्त यहाँ पर? हाँ, रहती है, रहते हैं, ये बनाती है ज़्यादा। अच्छा, कैसे खाना बनाती हैं? अच्छा बनाती हैं। अच्छा। आप ज़्यादा अच्छा बनाते हो या ये ज़्यादा अच्छा बनाती हैं? ना, खाना तो यही बनाती है। क्या पसंद है सबको खाने में? देखो, खाते तो हैं सब चीज़ें, लेकिन ज़्यादा तो सब्जी रोटी खाते हैं। अच्छा, कामन में सब सब्जी रोटी ही ज्यादा। आलू की सब्जी, मटर आलू, गोभी आलू, गोश्त भी बना लेते हैं। और आजकल तो या लॉकडाउन में अगर इंसान सब्जी रोटी खा ले तो वही बहुत काफी है। आए बेटी, जाकी लड़की है ये। अच्छा, वालेकुम सलाम। ये बिरयानी बनानी है बेटी क्या? नहीं नहीं, हम बनवाएंगे, हमें बता दे जाना क्या क्या करना है। आप आए हैं तो मेहमान हैं। अरे, ऐसे बोलोगे तो हम पराए हो जाएंगे ना मेहमान। तो ना, जो मेहमान रहे ना वो अपना रहे हैं, मेहमान अपने होंगे, मेहमान की एक ज़्यादा अहमियत। गोश्त भी है मेरे लिए, चावल निकाल देना अलग से। अलग से चावल निकाल देना इनको। हाँ, मैं ये नहीं खाती, चिकन नहीं खाती। मटर बिरयानी तो खा लोगी? नहीं नहीं, मैं शाकाहारी हूँ, मैं नहीं खाती। ये वक्त जो अब फिलहाल में है मेरे लिए बहुत सख्त गुजर रहा है। मैं रोजे इफ्तारी करूँ और बस एक ही निवाला मैंने ऐसे उठाया खाने के लिए, ऐसे, और उठा के जैसे मैंने मुंह में दिया और फौरन ही मुँह पूरी पता लगी कि मेरा लड़का हादसा हो। तो हाजी जी ने बताई कि ऐसे ऐसे रेल ट्रेन में झगड़ो हो, छोरा चक्को मार दियो। आप अभी क्या कर रहे हैं? खाली रहता हूँ, कुछ नहीं है काम। अच्छा, लॉकडाउन से या फिर? लॉकडाउन से ही है। उसके पहले क्या करते थे? 35 साल टैक्सी चलाई मैंने। लड़का गुजरा जब से खत्म। उसके बाद क्यों छोड़ दिया टैक्सी चलाना? कुछ तो घबराहट होगी, कुछ हिंदू मुस्लिम कर दिया इन्होंने। घबराहट क्यों हुई? कभी घबराहट होती है शहरों में जाने में, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हैं, कुछ ऐसे लोग बदमाश मिल जाते हैं रास्ते में, इसलिए मेरे को बहुत डर लगता है। दहशत होगी। जुनैद के जाने के बाद से? हाँ,
लव कितना है भाई, वो कहाँ हो? अब टैक्सी नहीं चलाएंगे फिर से कभी। अब उम्र भी नहीं रही ना गाड़ी चलाने में, उम्र भी नहीं है। अगर जैसे जुनैद वाला चीज़ नहीं होती तो तब आप चला रहे होते टैक्सी अभी? हाँ फिर तो चलाता रहता। आपकी टैक्सी कहाँ है? बेच दी किसी की राय पे चलाते थे? नहीं वो चलाते थे किसी की ना? वो पहले तो मैं किसी की चलाता था, नौकरी करते थे। अच्छा अब उनको छोड़ आया मैं। वो कौन थे, हिंदू थे मुस्लिम? वो हिंदू थे, मुस्लिम मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे। अच्छा हिंदू ज़्यादा थे बेचारे, वो बड़े अच्छे लोग थे। क्या अच्छी बात लगती थी उनकी आपको? उनके साथ में रहता था सारा 24 घंटा, उनके बच्चों में रहता था, वो बिल्कुल मेरे को अपना मानते थे। अभी भी वैसे ही उनका व्यवहार? अब तो कुछ जाना आना छोड़ दिया है। पर आप कभी ऐसे उनसे मिलने जाओ तो आप? जाता हूँ कभी, बहुत अच्छे अभी भी इज्जत करते हैं अंकल जी, अंकल जी करती हैं बेटी। क्या है जो उनको अलग बनाता है और दूसरे लोगों को अलग बनाता है, जो बाकी जिसे आपको डर लगता है आप कह रहे हो? ये तो ये सरकार ने किया है ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमने आज तक सुना ही नहीं कोई हिंदू मार रहा है, कोई मुस्लिम मार रहा है, कोई मुस्लिम को हिंदू मार रहा है, हिंदू को मुस्लिम मार रहा है, हमने आज तक सुना ही नहीं। बल्लभगढ़ में शहर में, हमने दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुरादाबाद में बहुत जाता था, सब जगह जाता था, हरिद्वार, हरिद्वार हर महीने, दो महीने में दो बार उनको लेकर। हाँ अच्छा, हर की पैड़ी पे। अच्छा आपको अच्छा लगता था वहाँ जाना? हाँ बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, मैं भी नहाता था उसमें। अरे बहुत ठंडा पानी, भेदभाव कोई नहीं, खाने में साथ खाते थे, साथ बैठते थे, साथ सोते थे, एक ही होटल। कोई घटना है या कुछ ऐसा खुशी का माहौल ये जो आपको याद हो? लड़का गुजरने, लड़का गुजरने पे सब लोग आए मेरे जानकार, सब सबको पता लग गया मेरे फोटो छोटे में, पहचान लिया कि ये तो जलालुद्दीन का फोटो है, इनका लड़का गुजरा है। मैंने फोन भी नहीं किया किसी को। الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। और अब जीनों में कुछ ना है मेरा, बस मेरी जो टेंशन है और जो मेरी दिल पे जो चोट लगी हुई है ना, वो तो बस मैं ही जान रही हूँ और दूसरों कोई ना जान रहा हुआ चोट मेरी। यू मेरा बेटा है, यू है वो हाफिज जुनैद। अभी तो यहाँ की कुल उम्र 16 साल की, अभी यहाँ की उम्र ही कहा यहाँ की। अब जैसा अब बैठे है ना, हाथ में हाथ मार के नहीं, ऐसा ऐसा हंसा करो खिलकड़ान सु गुस्सा तो कदी वहां आयो ही ना, मेरा बेटा कदी भी ना आए गुस्सा तो वहां कदी भी। और जितना ज्यादा काम रहे हो इतना ही जो ऐसा करे बहुत तगड़ो। और नू कह कर मा तू टेंशन मत कर, मैं रोटी वोटी अपना आप बना दूंगा रोजान में, वही रोजान में मैं जैसे ऐसे लोटी पड़ी शहरी के बखत बस पहले तो जब आए सीढ़ी ने चढ़ के नहीं तो एकदम हुआ जब मैं रोटी बनावे हैं वह कुंडा लेके चलो। मैंने कही बेटा जुनैद कहा करे तू, जब कहो मैं चून गूंद मैं कि ना बेटा मैं अपना आप बना लूंगी, ऐसो मेरा बेटा हो जो यादगार मोर रात दिन सतावे, दिल मेरा इतना बेचैन हो जा बाज ना पा। तो माँ ऐसा बड़ो काम करूँगा, कोई मैं कहीं बड़ी मस्जिद को इमाम बनूंगा और कोई अच्छी ऐसी कॉलेज मदरसा बनाऊंगा जहाँ मैं दोनों की तालीम हो, वह दीन की भी दुनिया की भी। अब ये भी मेरा बेटा के लिए मोरी एक वो होगी बात, अकवा को वो पे सपना पूर्ण ना हुई हो।
ये चोट मोह ना जीण दे मैं ये हर वक्त यू है टेंशन मोल सारी ये हर वक्त। लेकिन जैसे मैंने जिंदगी में कोई दुख ना देखो तो यू मैंने दुख ऐसो देखो अक यू मेरा भीतर तोड़ दियो यानी अजामक तोड़ दियो ये अक दुख ने यू मेरा बेटा की यू है यू वा वक्त को है यू जा वक्त मेरा बेटा कब्रिस्तानन में गयो है युवा वक्त को है यू उजालिम है यू जाने मेरा बेटा की हत्या करी है यू ये नरेश है याको नाम यू जो भमरोला को समंदर है तालाब यानी के वहां में सी चक्कू दरामंद हुयो है ई मेरा बेटा है दूसरो साकिर है जो यू साकिर है युवा ट्रेन को उहे उ खून जामे इनकी हादसा हुई है। मैं तो बस इतनी अल्लाह ताला ने चला रखी हूँ अल्लाह शुक्र अल्लाह को एहसान है मैं इतनी चल रही हूँ और नहीं तो बस मेरी मोई पतो मेरी जो सीना हर वक्त दर्द करे सिर में मेरा 24 घंटा बिग सी फूटे जैसे हांडी मेरी टेट पर रखी वो भगवान जड़ता हुई हो और ये आंखन की मेरी बीना बिल्कुल कम होगी ये मेरे ये इतने दर्द करे है ये मेरा बेटा को वह वक्त को है जा टाइम पोस्टमार्टम हुयो है ये सब चक्कू का निशान है ये सटेट जो ये सफेद सफेद पड़ रहे हैं ये और यू वही वक्त को है यू वही वक्त को जा वक्त को यू फोटो है ना यू वही वक्त को यू है यू यू ऐसा मेरा बेटा वा टाइम एक घंटा बस आधी घंटा पहले कोई फोटो है जुमा मस्जिद को जैसे दो ही तो कौम है एक हिंदू है एक मुसलमान है लेकिन हाँ तो दोनों इंसान ही हाँ तो दोनों इंसान ही हिंदू इंसान ना हक मुसलमान इंसान ना हा जो गद्दार है वो मुसलमान में भी है हिंदू में भी है लेकिन इंसाफ तो ना है ओ आराम से ये रख दो ये वाली फोटोज हम नहीं देखेंगे हम आपकी पुरानी फोटोज देखेंगे ठीक है छोड़ दो ये बना लेते हैं जब भी कोई मन करता है। अच्छा ऐसे का हर चीज मौका से हो है हर काम कोई ऐसे तो है ना हमेशा। त्योहारों पे क्या क्या बनता है? त्योहार पे खीर बनती है जर्दा बनता है। जर्दा क्या होता है? वो मीठे चावल होते हैं। अच्छा, यही होती है वो यही चावल होते हैं अपर मगर वो मीठे होते हैं पीले रंग के होते हैं। और क्या चाहिए बस ऐसी जिंदगी निकल जाए बिरयानी खाते हुए। आपके लिए जिंदगी क्या है ऐसा कुछ जो आपको चाहिए जो आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये जिंदगी है कि जाने मेरे बेटा की हत्या करी है वहाँ के लिए फांसी लगे जब है मेरी जिंदगी तब तक मैं वह फांसी का फंदा पे ना देखूँ जब तक मेरे लिए कोई चीज ना है तो ये थोड़ा बड़ो सदमा है कि नू तो जी रहे हैं जीन लू जहर पीणो ही पड़ रो है और नहीं जीणो वीणो ना है यू अब पूरा रमजान हमारा ऐसे ही जावे हो पूरे रमजान अब यू पांचवी ईद आ रही है आज तक हमारा त्योहार ना मनो नो जानना सु मेरा बेटा को इंतकाल हुयो है ले बेटा ले ले हमारा घर की रौनक चलेगी सटेटी तो हाफिज जुनेद को इंतकाल हुए वहाँ के बाद अटैक हुयो या के दो स्टैंड डले हुए हैं
फिर एक बेटा को सदमा है, एक ऊपर से या के अटैक हुई है या के दो स्टैंड डले हुए हैं, और फिर केस को देखना है। जब ये सब हुआ तब कोई ऐसी भावना है या गुस्सा था, निराशा थी, क्या था, डर था? देखो डर तो रहता ही है, उन्होंने हमारे लिए चैलेंज भी दिया था, हम मार देंगे या तो फैसला कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, इसलिए कुछ दहशत सी भी आती है हमारे बच्चों को भी, सबको, हमको भी। हम बाहर नहीं जाते इतने, जाते हैं तो हम उनको प्रोडक्शन मिली हुई है उस पुलिस के साथ जाते हैं तकरीबन ज़्यादा, मैं तो घर पर ही रहता हूँ, ये बच्चे ही जाते हैं बाहर भी जाते हैं। मैंने 35 साल टैक्सी चलाई, बहुत पूरा हिंदुस्तान घूम लिया होगा मैंने, मगर उसको मेरे को दहशत नहीं आई जब तक, जब से मेरा लड़का गुजरा है तब से मेरे को तबीयत नहीं करती, मैं बल्लभगढ़ नहीं जाता हूँ। सुबह 8 बजे घर से मेरे को निकलना होता था और रात को 8 बजे घुसना था मेरे को, और रात को 11 बजे भी आता था, किसी कहीं कहीं लेट भी हो जाता था, तो मैं गांव में नहीं रुका। 35 साल मैंने गाड़ी चलाता रहा, सब्र करना, सब्र करो, सब्र, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, वो अपना आप सजा दिलाएंगे, हम तो ऊपर वाले के ऊपर हैं, बस सब्र करके बैठे हैं हम तो। आपके बाकी लड़कों को आप क्या बोलते हैं? बाकी लड़के में जब वो बाहर जाते हैं या ऐसे? हाँ, मैं बार बार फ़ोन करता रहता हूँ उनको, घंटा दो घंटा बाद, कहाँ हूँ, किस अब कैस, किसी सवारी में बैठे हो या कहीं काम बैठे हो या नमाज पढ़ रहे हो, क्या हैं, कितनी देर में आओगे? क्यों बार बार फ़ोन करते हैं? इसलिए करता हूँ, कोई वैसा कोई बात ना बन जाए कहीं। आजकल ये उठा रखे हैं ना टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुर्ता पहनने वाले, ये आतंकी हैं, ये फलाने हैं, ये ढमके हैं, इस सरकार में ये परेशानी ज़्यादा आ गई। कोई एक बात जो आपने धर्म से सीखी हो, आपके मजहब ने आपको सिखाई हो, जो आपको मदद कर रही हो आगे बढ़ने में? मजहब तो सिखाता है, जो हमने, मैंने बोला ना, हदीस हम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो सब चीज़ सिखाती है, किसी की बेईमानी मत करो, किसी की गद्दारी मत करो, किसी की बहन बेटी को मत तको, किसी की गलत शिक्षा मत करो, किसी की मतलब गलत बात मत करो, वो सब चीज़ सिखाती है हमारी हदीस, हम तो उस हदीस के ऊपर चलते हैं। बच्चों को भी यही है। ये बच्चे मेरे से ज़्यादा पढ़ गए, ये तो हाफिज कारी मौलवी हैं, ये तो हमको ही बताते हैं। और अब क्या जीवन है, पहले क्या था, क्या बदल गया? एक सब कुछ बदल गया, बदला ही हो रहा है सब कुछ, कमाना खाना छूट गया हमारा। पहले तो खूब खुले होके जाते थे बाजारों में काम करने के लिए, अब तो बंधन में हैं हम। तब ठीक हो जाएगा, इनको भी समझाते हैं हम, तो ये हमें समझाती हैं उल्टी, कैसे मत करो, ऐसे मत करो, कोई बात हो जाती है तो ये मेरे को बताती हैं, कभी इसको घबराहट आ जावे। मैं ज़्यादा घबरा जाता हूँ, इनसे ज़्यादा मैं घबरा जाता हूँ, ये बच्चे मेरे को कोई बात हो जाती है तो तुरंत नहीं बताते, दो दिन में या तीन दिन में धीरे धीरे बताते हैं, कोई ऐसी बात ना हो हमारे अब्बा के ऊपर कोई एकदम अटैक पड़ जाए। अब आपके परिवार के बारे में बता रहे थे, कहाँ के रहने वाले हो आप, आपके नहीं परिवार फादर कहाँ के हैं? परिवार तो हमारे यहीं की पैदावार है, पैदाइश है हमारी यहीं की है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे दादा पड़दादा थे कभी आज से 500 साल पहले पंडित थे। अच्छा, मतलब वो पंडित थे, फिर वो मुसलमान कैसे बने? मुसलमान हो चुके हैं वो, उनके दिल में मन में आ गई बात। अच्छा। किसी को जोर दबाव से नहीं बने वो, उस टाइम ना कोई लड़ाई थी, उस टाइम कोई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी उस टाइम, आपस में अभी भी प्रेम भाव जैसे है ऐसे ही रहता था पहले भी। अभी आप लोगों की कोई बातचीत है उनसे? नहीं, हम आते जाते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं, गांव में आते हैं, हम उसको निमंत्रण देते हैं, वो हमें देते हैं, भाई मानते हैं, अभी हम भी मानते हैं भाई, वो भी मानते हैं, अभी वशिष्ठ गोत हमारा, मजहब चेंज हो जाता है मगर गोत चेंज नहीं होता।
के अंदर जो डर है, तो अब डर तो नहीं, डर तो पब्लिक से नहीं है, डर तो सरकार कर रही है, खुद पर सरकार कर रही है, डर तो इन्होंने दहशत बिठा रखी है। क्या अगर आपको लगता है बदल गया तो आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मजदूर आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही आज की डेट में, कंपनियां सारी बंद, मुसलमान के नाम से कंपनी में लेते नहीं, इतना जहर फैला दिया इन्होंने। आपको ऐसे क्या क्या अभी 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 मैं ऐसी चीज़ें देखने को मिली है? हाँ मिली है ना, हमारे जो गांव के लड़के ऐसे घूम रहे हैं बेचारे सारे, ये कंपनियां सारी ये बड़ी 58 सेक्टर में वहाँ में यहाँ में बहुत कंपनी है, हमारे गांव के लड़के नहीं लेते नहीं। क्या वजह? जिसके पीछे खान लग गया, मोहम्मद लग गया, उसको लेते नहीं उनको। पहले खूब काम करते थे, मेरा बेटा को इतना तगड़ा हादसा हुयो, हमारे तो आज तक दिल में भी बात ना है कि हिंदू मुसलमान ने यू कर दियो, यो जालिमन ने कर दियो। जो इंसान इंसानियत अपने अंदर नहीं रखते हैं वो ये काम करते हैं। मजबूत तो देखो रहना ही पड़ेगा, जीना के लिए तो जहर पीना ही पड़ेगा। जब हमारे एक बेटा मासूम की इस तरह हत्या की और फिर हम वहाँ को फैसलो करें और फिर हम उन लोगों को ये कहें वो कहें गाड़ी देवें नू देवें, हम तो आज तक अपनी जबान से गाड़ी ना देवें, कोई भी ना गांव को बाहर को कोई भी बता देवे। वे जो बात पहुंच गई अब सरकार में, जो सरकार करेगी वो हमारे लिए मंजूर है। मैं अपना बेटा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरा दम में सांस रहेगा। जब मैंने अपना बेटा के लिए जन्म दियो और मैंने पाल पोस के अच्छा बनायो, तो फिर मैं अपना बेटा के लिए मजबूत ना रहूंगी तो और कस के लिए रहूंगी? बेटा की मोहब्बत एक अलग चीज है। सब हो जाएगा ठीक, आप चिंता मत करो। हाँ सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा बेटा के जो सपना हो मैं अभी तक उसको पूरा ना कर पाई कि एक मेरा बेटा के नाम से कॉलेज बन जाए, ताकि वहाँ में हर कौम के लोगों को फायदा हो जाए। अगर केस सुलझ जाता है, सब उनको सजा मिल जाती है, तो वो दिन उस दिन कैसा होगा, वो क्या होगा आपके लिए? मैं तो कहूँ कि जितने भी आदमी को इंतकाल हुयो है सबके लिए फैसला होवे और हक फैसला होवे, और जितने भी जो जालिम हैं इनको सबको सजा होवे, ताकि सबकी आत्मा ठंडी हो। जैसे मेरा दिल दुख रो है, मुहे लगे कि मोसू कहीं और काई को ज्यादा दुख रो होए। आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना मेरा बेटा की याद आ रही है, ऐसे ही वाद ना बैठी ही मैं लेके नहीं अपना बेटा के मारे, मन की मेरा बेटा आएंगे अब खाएंगे, अब रोजा के मारे इफ्तारी करेंगे। लेकिन वो नू नहीं पता कि खानो ऐसे ही धर रह जाएगा और बेटा।